दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यामा फेसिनो 125, जो कि यामा की तरफ से ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कूटर है। तो ऐसे में दोस्तों, फेसिनो 125 लेने के सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ जानकारी मिलने वाली जो कि इस स्कूटर में आपको देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें आपको टायर डायमेंशन या फिर इंजन स्पेसिफिकेशन, फीचर्स इसमें क्या मिलती है, सब कुछ के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें आपको 7 कलर ऑप्शन देखने को मिलती है। इसमें मिल जाएगी रेड, येलो, क्यान ब्लू, मैट ब्लू, ब्लैक, डार्क मैट ब्लू और कॉपर कलर शामिल है। तो नो डाउट आपको कलर ऑप्शन भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाती है। अगर इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन इसकी काफ़ी यूनिक रखी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं यूरोपियन डिज़ाइन रखा गया है। सामने हेडलैम्प की बात करते हैं, जिसमें आपको LED नहीं मिलेगी, इसमें आपको हैलोजन बल्ब मिलेगा और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है। सामने यहाँ पर देखने को मिल जाती है, साइड लुक भी देखने को मिल जाती है। इसमें कोई ज़्यादा ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेगा। और टेल लैम्प की बात करते हैं दोस्तों, तो टेल लैम्प इसकी काफ़ी यूनिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे थोड़ा सा ज़्यादा लटका हुआ देखने को मिलती है और वी शेप में टेल लैम्प मिलती है। टेल लैम्प में आपको LED नहीं मिलेगा, इसमें भी आपको बल्ब देखने को मिलेगी। ओवरऑल दोस्तों, इस स्कूटर में आपको LED का कोई ऑप्शन नहीं मिलती है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, डार्क मैट ब्लू और कॉपर कलर में आपको क्रोम फिनिश देखने को नहीं मिलेगा, क्रोम कलर नहीं मिलेगा। इसमें आपको ग्लॉसी मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। तो आपको ग्लॉसी मैट फिनिश अच्छी लग रही है या फिर क्रोम फिनिश अच्छी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें इंजन मिलती है 125 सीसी का, एयर कूल फोर स्ट्रोक 2 वाल्व, BSS कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्शन इसमें आती है। इसकी बोर है 52.4 mm, स्टोक है 57.9 mm। ये अंडर स्क्वायर इंजन है जो कि इसमें अच्छे खासे माइलेज भी देखने को मिल जाएगी। इसकी मैक्सिमम पावर निकालती है 8.2 PS की 6500 RPM एंड मैक्सिमम टॉर्क निकालती है 9.7 Nm 5000 RPM। यहाँ पर दोस्तों 125 cc के हिसाब से आपको अच्छे खासे पावर और टॉर्क देखने को मिल जाती है। तो नो डाउट इसमें आपको अच्छे खासे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। इसकी दोस्तों इनिशियल पिकअप भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है और इसमें आपको माइलेज भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये स्कूटर काफ़ी लाइट वेट है 125 cc के हिसाब से। इसकी वजन कितनी है दोस्तों, मैं जब डायमेंशन की बात करूँगा तो इसकी वजन बता दूंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं इसकी माइलेज की। तो इसमें माइलेज लगभग 45 KMPL तक की माइलेज मिल जाएगी। स्टार्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें आपको सेल्फ और किक दोनों मिल जाएगी। आगे बात करते हैं इस बाइक की टायर और व्हील साइज की। तो इसकी आगे की टायर मिलती है 90-90-12 और पीछे 110-90-10 का ट्यूबलेस्टर आती है। यहाँ पर पीछे वाला टायर थोड़ी सी चौड़ी देखने को मिलती है 125 cc के हिसाब से, जैसा कि आप देख सकते हैं 110 mm का चौड़ी टायर आती है। पीछे वाला व्हील थोड़ा सा छोटा साइज देखने को मिलती है, जबकि आगे वाला व्हील थोड़ा सा बड़ा साइज देखने को मिलती है 12 इंच का। एक बात मुझे इसमें अच्छी लगी जो कि इसमें आपको एलॉय व्हील देखने को मिलती है। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन आता है। अगर आप डिस्क ब्रेक में लेते हैं तो 190 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी आगे, और 130 mm का ड्रम ब्रेक और पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक आती है। सस्पेंशन इसमें आगे टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन आती है और पीछे यूनिट स्विंग सस्पेंशन देखने को मिलती है। मीटर कंसोल की बात करते हैं तो इसमें आपको डिजिटल देखने को नहीं मिलती है, इसमें आपको क्लासिकल लुक एनालॉग मीटर देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें साइड से क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें डार्क मैट ब्लू और कॉपर कलर लेते हैं तो इसमें आपको ग्लॉसी ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिलेगी। मीटर कंसोल में नॉर्मली वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि नॉर्मली आती है, इसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है। इसमें आपको स्पीडोमीटर की जानकारी मिल जाएगी, फ्यूल की जानकारी मिल जाएगी, इंजन माल फंक्शन की लाइट आ जाती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है दोस्तों, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं दिया गया है। इसमें आपको मेंटेनेंस फ्री बैटरी दी गई है 12 वोल्ट की। इसमें आपको स्टार्ट स्टॉप सिस्टम देखने को मिल जाती है, ठीक वैसा ही काम करता है जो कि हीरो की i3S टेक्नोलॉजी काम करती है, वैसे ये भी काम करती है, जो कि ट्रैफिक में अगर 2 से 4 सेकंड रुक जाती है तो ऑटोमेटिकली इंजन बंद हो जाती है। फिर आपको अगर चलना हो तो आप थोटर घुमाइए, स्कूटर चालू हो जाएगी, आपको किक या फिर सेल्फ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको स्मार्ट मोटर जनरेटर देखने को मिलती है जो कि काफ़ी साइलेंट स्टार्ट होती है। इसमें आपको 21 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज आ जाती है, जो कि अपना फुल फेस का हेलमेट रख सकते हैं और काफ़ी सारा सामान भी रख सकते हैं, तो बड़ा स्टोरेज देखने को मिल जाती है सीट के नीचे। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच दिया गया है, जो कि अगर साइड स्टैंड गिरी रहेगी तो इंजन चालू नहीं होगी, अगर चलते में साइड स्टैंड गिर जाती है तो इंजन बंद हो जाती है। एक बात मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी, जो कि आपको फ्यूल भरवाना हो तो सीट खोलना पड़ेगा, जबकि अब जो नए जनरेशन की नई स्कूटर आ रही है तो इसमें आपको फ्यूल भरवाने के लिए सीट नहीं खोलना पड़ेगा, आपको बाहर से ही फ्यूल हो जाती है। तो यहाँ पर आपको फ्यूल भरवाने के लिए आपको सीट खोलना पड़ेगा इसमें। यहाँ पर दोस्तों इस स्कूटर में कोई ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलती है, नॉर्मली जो फीचर्स आना चाहिए वही आती है, कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं दिया गया है। आगे बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। तो इसकी लंबाई मिलती है 1920 mm, चौड़ाई 685 mm,
हाइट 1150 mm, व्हील बेस 1280 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 145 mm, सीट हाइट 780 mm, फ्यूल टैंक 5.2 लीटर और स्कूटर का वजन 99 kg। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लाइट वेट स्कूटर देखने को मिलती है 125 cc में, केवल 99 kg का आती है इसमें, जो कि सिटी राइडिंग के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है, अच्छी खासी माइलेज मिल जाएगी क्योंकि ये स्कूटर काफ़ी लाइट वेट है और अच्छे से केयर भी कर सकते हैं। सीट हाइट थोड़ी सी मुझे ओवर लग रही है दोस्तों, 770 mm, 775 mm नॉर्मली स्कूटरों में सीट हाइट आती है, जो कि स्कूटर ज़्यादा महिलाएं चलाती है तो महिलाएं की हाइट कम होती है, जैसे कि 5'3", 5'4", तो उनके लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो सकता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ 780 mm भी ज़्यादा नहीं है, तो लगभग चला लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बात आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, तो ओवरऑल आपको डायमेंशन भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है इसमें। अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं, इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं, तो यहाँ मैं दिल्ली की बताने वाला हूँ। ड्रम ब्रेक में अगर स्टैंडर्ड लेते हैं तो ये पड़ती है 72,030 रुपया, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 85,566 रुपये पड़ती है। और ड्रम ब्रेक में डिलक्स लेते हैं तो इसकी शोरूम प्राइस पड़ती है 73,030 रुपया, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 86,000 के आसपास पड़ने वाली है। डिस्क ब्रेक में स्टैंडर्ड लेते हैं तो ये आपको पड़ती है 74,530 रुपया, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस 88,328 रुपये रहने वाली है। डिस्क ब्रेक में डार्क मेट ब्लू और कॉपर कलर लेते हैं तो ये आपको पड़ती है 75,530 रुपया, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 89,434 रुपये पड़ती है। यहाँ पर मुझे 2,000 से 3,000 रुपया इस स्कूटर की प्राइस मुझे ओवर लगी। दोस्तों आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। नॉर्मली जो इसकी जो डिस्क ब्रेक का वेरिएंट था लगभग 84,000 से 85,000 तक की ऑन रोड प्राइस रहना चाहिए था, पर थोड़ी सी ये महंगी है। आपको कैसा लगता है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में लगभग यामा फैसिनो 125 के बारे में सब कुछ बता दिया हूँ, अगर कुछ भूल गया हूँ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।